हेलो दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए भू को भू कसौटी यानी SAS क्राइटेरियन पर चर्चा की और कुछ प्रश्न भी हल किए। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति को देखकर दिए गए विकल्पों में से सही सर्वांगसम त्रिभुजों के विकल्प का चुनाव करें। दोस्तों, यहाँ पहले विकल्प के अनुसार भुजा WV भुजा YX के बराबर है। आकृति में देखकर बताएं कि क्या यह सही है। जी हाँ, चलिए अब बताएं क्या भुजा VZ भुजा XZ के बराबर है। नहीं, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, यानी पहला विकल्प सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की ओर। यहाँ पर त्रिभुजों के नाम के अनुसार क्या भुजा WV भुजा ZX के बराबर है। नहीं, इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है। अब देखते हैं बचा हुआ आखिरी विकल्प। आकृति के अनुसार भुजा WV भुजा XY के बराबर है, कोण WVZ बराबर है कोण XYZ के, और भुजा ZV बराबर है भुजा ZY के, तो यह त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम के द्वारा सर्वांगसम है। तीसरा विकल्प सही विकल्प है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने भू को भू कसौटी यानी SAS क्राइटेरियन पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।